इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। मछली शहर नगर के मोहल्ला महतवाना में स्थित सिन्हा रोड पर लगे 400 केवी का ट्रांसफार्मर शनिवार को सुबह ओवरलोड होने के कारण जल गया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। घंटों मशक्कत के बाद ट्रांसफार्मर में लगी आग पर काबू पाया गया। सिन्हा रोड पर लगे उक्त ट्रांसफार्मर से नगर के कुल 5 मोहल्ले जिनमें महतवाना, पुरान दलाल, सराय, पुरानी बाजार और सैयदवाड़ा की आपूर्ति की जाती है। 5 मोहल्लों की सप्लाई के कारण ट्रांसफार्मर हमेशा ही ओवरलोड रहता है और लो वोल्टेज की समस्या भी बनी रहती है। इसी के दृष्टिगत स्वयं विभाग के जेई अभिषेक केसरवानी ने बीते जून 2022 को विभागीय पत्र लिखकर 250 केवी के अंतरिक्त ट्रांसफार्मर की मांग की थी, लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी विभाग अपने ही जेई के लिखे पत्र पर कोई अमल नहीं कर सका। बीते वर्ष भी ये ट्रांसफार्मर 3 बार जल गया था। लगभग 10 दिनों पूर्व भाजपा पदाधिकारियों ने सांसद बीपी सरोज से मिलकर मांग की थी कि 250 केवी के अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की तत्काल व्यवस्था की जाए। सांसद ने भी पूरा आश्वासन भाजपा नेताओं और सदस्यों को दिया था, लेकिन 10 दिनों के बीतने के बाद भी अतिरिक्त ट्रांसफार्मर सांसद के प्रयास के बावजूद विभाग नहीं लगवा पाया। शनिवार को सुबह ट्रांसफार्मर धू-धू कर एक बार फिर जल गया। महतवाना वार्ड के सभासद ओन मोहम्मद उर्फ मुन्ना, पुरानी बाजार के सभासद प्रतिनिधि प्रिंस गुप्ता उर्फ लालू और पुरा नंदलाल के सभासद प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार के साथ विभाग के SDO ने मौके का निरीक्षण लिया और बताया कि ट्रांसफार्मर मुख्यालय से चल चुका है। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।